नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश सत्ता का महाभारत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का बाहर का समर्थन करेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अपना स्टैंड अभी भी कायम रखा है। देखिए रिपोर्ट। बदल गई ममता के सुरों की धार, एक तीर से किए कई शिकार। बाहर से समर्थन का ऐलान, अगर बनी INDIA की सरकार। लोकसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत के दाव पेचों से चुनाव जीतने की जंग जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है, जिन्होंने INDIA गठबंधन को सरकार बनने के हालात में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया जोट के नेतृत्व दिए बाहर থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन राजनीतिक दाव पेचों में माहिर ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर संभावनाओं का शून्य भी नहीं छोड़ा है। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते, मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। प्रधानमंत्री तो पहले तय करे कौन होगा प्रधानमंत्री, पप्पू होंगे कि गप्पू होंगे कि सप्पू होंगे कि लप्पू होंगे, पहले प्रधानमंत्री तो तय करे। तो कोई प्रधानमंत्री तो इनका तय नहीं है, और ये चले हैं लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी से। यानी दिल्ली को लेकर ममता बनर्जी की नीति पहले की तरह अलग है और बंगाल को लेकर अलग। लेकिन INDIA अलायंस को बाहर से समर्थन की बात आई तो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत का चेहरा चहक उठा। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है, वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है, वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी का दाव भले ही नया हो, लेकिन अमित शाह के पास बंगाल से निकली हर बात का जवाब होता है। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से उथल, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, 3 बाकी हैं। जाहिर है सियासत के दावपेच भी अब और तेज होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 3 चरणों की यह बाजी नतीजों की पटकथा लिखने वाली है। उधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं में एक ने महिला